वैसे बड़ा नाकदर है तुम्हारा शौहर जो तुम जैसी लड़की को उसने छोड़ दिया। आंटी प्लीज मुझसे अभी इस टॉपिक पे बात ना करें, मेरा मूड खराब हो जाए। मुझे पता है तुम्हारा मूड क्यों खराब है, रोशनी की वजह से खराब है ना। हाँ आपने देखा नहीं उसने मुझे किस तरह से इतना बड़ा ताना दिया। आंटी मैं यहाँ आप लोगों से मिलने आई हूँ और मुझे तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है। तुम उसे नहीं जानती, रोशनी को तो बात का बतंगड़ बनाना होता है, वो तो तलाश करती है कि किस बात पर वो लड़ाई करे। तुम परेशान नहीं, आओ चलो जूस पीते हैं। चलो पापा आप मुझसे तो गिला करते रहते हैं कि मैं आपसे मिलने नहीं आई, ये तो आप भी नहीं आए ना। जानती हूं क्या आप भी मुझसे नाराज है। हाँ अगर तुम ये जानती हो कि तुम्हारा बाबा तुमसे नाराज है तो तुम मनाने चली आती, ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो किरण कि तुम्हारे बाबा की नाराजगी कितनी देर की हो। इसके बावजूद तुम अपने बाबा को मनाने नहीं। किस मुंह से आती बाबा, से तो इतनी बड़ी गलती हुई, बहुत शर्मिंदा थी, नहीं आ सकती थी बाबा, नहीं आ सकती थी। अरे भाई क्या बात है, दोनों सहेलियों की तरह गिले शिकवे कर रहे हैं, कब तक चलेंगे ये गिले शिकवे, बस करो, सारा टाइम इसी में बर्बाद हो जाएगा, कोई और बात नहीं करेंगे क्या। चलो ठीक है, हम चाय पी लेते हैं उसके बाद बातें करेंगे। बेट हाँ ठीक है मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बहुत दिनों बाद मेरी बेटी आई, ये अपने हाथ से चाय बनाए, मैं आज अपनी बेटी के हाथ की बनी चाय पीऊंगा। इतना अरसा हो गया तुम्हारी माँ के हाथ की बनी चाय बदसायका बदमजा पीते पीते तो बस मेरे मुंह का जायका ही खराब हो गया। जलील साहब बेटी को देखते ही आंखें बदल ली आपने। अरे इन चार आंखों का क्या फायदा जो किसी वक्त पे बदल ही न जाए। ठीक है कल से आपकी चाय बंद। अरे प्लीज आप लोग लड़े नहीं, मम्मी अगर बाबा नहीं भी कहते तो मैं खुद बोलने वाली थी कि मैं बाबा के लिए चाय बनाना चाहती हूँ। अरे नहीं बेटा मैं जाती हूँ। अरे नहीं नहीं तुम बैठो बैठो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, मेरी बेटी चाय बनाएगी, जाओ बेटा जाओ। अभी आप लोग मुझे चाय बना करके लाई। अरे वो मेहमान आई है, वो कितने दिन बाद आई और आपने उसको किचन में भेज दिया। आपके घर आई है मेहमान, हाथ कर दी क्या कर दिया, चाय तो अच्छी मिलेगी बस। अब उसे कुछ पता नहीं है इतने अरसे बाद आई है, कौन सी चीज कहाँ रखी है कुछ पता नहीं चलेगा, मैं जाके उसकी हेल्प करती हूँ। हाँ ये बात ठीक है जा। अच्छा बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाह रही थी। आंटी मैं
चली जाऊंगी। वापस जाओ? क्यों जाओगी वापस भाई? मेरा घर है, तुम्हें रोशनी या किरण से डरने की जरूरत नहीं है। डरता कोई किसी से नहीं है आंटी, इंसान सिर्फ अपनी इज्जत से डरता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या समझती हो, तुम यहाँ नहीं थी तो बहुत सुकून था इस घर में? तुम नहीं जानती इस लड़की को, बहुत होशियार है, इसको तो कोई बहाना चाहिए कि घर में कोई हंगामा हो। लड़ती है ना तो खुश रहती है, तुमने देखा नहीं उसकी बहन को? आखिर वो भी तो है ना। वो सब तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, कैसे ही होगा, लेकिन फिर भी तुम कहीं नहीं जाओगी, इसलिए कि मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम्हारा घर है, तुम जितने देर चाहो रहो यहाँ पे, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्यों इस घर से जाना चाहती हो। तुम इस वजह से जाना चाहती हो ना क्योंकि हसान की शादी हो गई, तुम्हारा दिल टूट गया है। सच बात तो ये है कि तुम अभी तक उसे भुला नहीं सकी हो, पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शादी भी इसीलिए खराब हुई है। नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तो लगता है ऐसा ही। मैंने तुम्हारी आंखों में सब कुछ देख लिया, अगर तुम मुंह से नहीं कह रही हो तो क्या मैं समझ नहीं सकती? अच्छा, अगर ऐसा भी है तो अब क्या हो सकता है आंटी? हसान का साथ मेरी किस्मत में ही नहीं था, वरना इस तरह दूसरी बार भी। किस्मत और हालात का शिकवा ना बुजदिल लोग करते हैं। तुम अब भी चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है, रोशनी की जगह ले सकती हो तुम। ये आप क्या कह रही हैं आंटी, ये सब मैं किस तरह से कर सकती हूँ? बहुत आसान है। देखो, तुम्हें सिर्फ हसाम को ये यकीन दिलाना होगा कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए मोहब्बत है, बाकी सब मुझको छोड़ो। और तुम यकीन करो कि वो रोशनी के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। मैं तो अभी अपने बच्चे की खुशियां देखना चाहती हूँ, और तुम और जारा मेरे लिए बिल्कुल एक जैसे हो, मैंने कभी भी तुम में फर्क नहीं किया। इसी तरह हसाम और अमान, अमान तो अब रहा ही नहीं मेरे पास, अब जो भी कुछ है वो हसाम ही है, और उसकी खुशी में मेरी खुशी है बेटा। तुम नहीं जानती कि मैं किस तरह जी रही हूँ। खैर, हमारे पास वक्त है, तुम अभी आराम से सोच लो। क्या सोच रही हूँ, मेरी बात बुरी तो नहीं लगती तुम्हें? नहीं, वो मैं तो ये सोच रही थी कि अभी तो उनका एक बच्चा भी है। लो, लोगों के चार चार बच्चे होते हैं, उनकी तलाक हो जाती है और फिर दोबारा शादी हो जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम दूसरों की बातों में आ गए और अपनों से मुंह मोड़ ली। मेरा इशारा रोशनी बेटी की तरफ है, वो आज भी तुमसे उतना प्यार करती है जितना पहले किया करती थी, उसे बहुत ख्याल है तुम्हारा, अब भी तुम्हारे लिए परेशान रहती। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मैं भी आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है, और हम दोनों बहनें भी बदल चुकी हैं। वो तो मुझे तुम्हारे लहजे से ही अंदाजा हो गया। जो तुमने कहा है ना, रोशनी ने कभी नहीं कहा, उसने तो आके हमेशा हमें समझाया कि किरण बहुत अच्छी है,
वो बच्ची है, ना समझ है, उसे रिश्तों का रवैयों का एहसास नहीं, वो तो हमेशा तुम्हारी तरफदारी करती है। अब भी उसे तुम्हारी फिक्र, हमें समझा रही थी कि किरण की शादी कर दे, और वो तो ये भी कह रही थी कि वो लोग किरण को पसंद करते हैं, और आप रिश्ते की बात करें, उसे समझाएं। भाव, मैंने अम्मी से कह दिया था कि जब मैं यहां आऊंगी तो मुझसे कोई भी शादी के बारे में बात नहीं करेगा। इसीलिए तो तुम्हारी मां ने तुमसे बात नहीं की, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वरना ऐसी बातें तो हमेशा माएं किया करती। देखो बेटा, तुमने जो किया ना, हमने दिल पे पत्थर रख के उसे तस्लीम की, तुम्हारी खुशी के लिए हमने वो सब बर्दाश्त की, हमने तुम्हारा मान रखा, अब तुमने हमारी खुशी देखनी, हमारा मान रखना। किरण, ये एक बाप की इल्तिजा है। बाबा भी क्या कर रहे हैं? बेटा, तुम गलत कर रही, तुम्हें जो करना चाहिए वो तुम नहीं कर रही। बेटा, मुझे बताओ कि तुम्हारी ये उम्र है बेवगी की चादर ओढ़ने की? किरण बेटा, ऐसे दुख मत पालो जो उम्रें खा जाए, खुदा के लिए ऐसा ना, अपनी जिंदगी जियो। बेटा, बड़ी हो गई, तुम्हारी शादी हो गई, तुम बच्चे की मां, बच्चे की मां होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा तुम पे हक नहीं, हम तुमसे कोई बात ही नहीं कर सकते। क्या तुमसे तुम्हारी शादी की बात करते हुए हमें डरना चाहिए? डर के बात करें तुमसे? मैं तुम्हारी मां या तुम्हारी मां जैसी बहन रोशनी? अरे, हम तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं बेटा, हमें बात करते हुए डर आना चाहिए? बताओ, जवाब दो ना मुझे, ऐसा जवाब दो कि कोई इस मौजू पे तुमसे बात ही ना करे। दो जवाब। हाँ, दो जवाब, जवाब देने पड़ेंगे तुम्हें, सारे सवालों के जवाब दो आज तो। और एक बात बताओ, तुम क्या समझती हो, हम इतने बुरे वालदेन हैं तुम्हारे कि तुम अपने सास ससुर की उनकी तन्हाई का सोचती हो? हाँ। अरे, तुम्हारी शादी करके तुम क्या समझती हो कि हम अपने घर की तन्हाई को आबाद करना चाहते? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो फिर भी अकेले रहेंगे। उनके पास तो है ना रोशनी और हसाम, हमारे पास कौन है? हम तो अकेले हैं, तो फिर भी हम तुम्हारी शादी का सोचते। तुम ऐसा क्यों समझती हो कि हम तुम्हारी शादी करके कोई फायदा लेना चाहते? अभी प्लीज आप अम्मी को समझा। चुप हो जाओ किरण, चुप हो जाओ किरण, मां को बात करने दो। ठीक ही तो कह रही है, उनमें और हम में फर्क सिर्फ एहसास का है, रवैयों का। हम तुम्हें बेटी कहते हैं तो हम तुम्हारे मां बाप, अगर वो तुम्हें बेटी कहते हैं तो वो तुम्हें दिल से बेटी तस्लीम नहीं करते। हमारे दिलों में तुम्हारी यादें, हम तुम्हें दिल से प्यार, हमें तो तुम्हारी खुशी चाहिए बेटा, हमारा मान रख, हमारा प्लीज आप लोग बस कर जाएं, आप प्लीज बस कर जाएं। Ah, 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 ah.
नेहा वो ड्राइवर से बोलो कि मेरा सामान लाकर कमरे में रख दे। जी। और ये अमान कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। वो बीबी जी आपको कॉल नहीं आई, आपको नहीं पता? क्या नहीं पता, मुझे कोई कॉल नहीं है। क्या हुआ है? वो बीबी जी दोनों बच्चे लॉन में खेल रहे थे तो अमान बाबा गिर गए। आपको तो पता है रोशनी बीबी का, वो हसाम साहब और रोशनी बीबी उनको अस्पताल लेके गए। क्या इतनी बड़ी चोट लग गई कि उसे हॉस्पिटल ले गए? रोशनी कहाँ थी? और तुम लोगों ने गवारा तक नहीं किया कि मुझे फोन करके बता ही दो। वो बीबी जी मैं तो किचन में काम कर रही थी, वो रोशनी बीबी थी बच्चों के साथ। कदों थी तुम लोगों की, बहुत लापरवाह हो तुम लोग, कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए था। हेलो रोशनी, तुम लोग कहाँ हो? और मैं तुम्हारे भरोसे पर अमान को छोड़कर गई, इतनी लापरवाह हो कि उसे चोट तक लगा दी तुमने।